हे मसीह की सबको परमेश्वर के नाम की महिमा हो हमारे जीवन में। और एक दिन दिया इस तरह से वचन बोलने के लिए, वचन सुनने के लिए, प्रभु के नाम से इकट्ठा होने के लिए ग्वालियर असेंबली का मैं धन्यवाद करता हूँ। खास करके भाई थॉमस सिक्वेरा का भी धन्यवाद करता हूँ। ये भाई 30-35 साल से जब से हम उधार में आए कुवैत में, जब से हमारे साथ था कुवैत में, हमारा कंपनी असेंबली का एक एल्डर था, अभी रिटायर्ड होके गोवा में है, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जो लोग गीत गाया, जो लोग जुड़े, हरेक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदन और धन्यवाद करता हूँ। आइए हम वचन में जाते हैं। भाई शिविर भाई, आपका नेटवर्क बराबर है क्या? जी अंकल, क्लियर है ना? तो आप पढ़ना। ओके, प्रेरित के कार्य 2 का खास करके 4 और 8 पढ़ना। पहला 4, उसके बाद 8। एक मिनट, चौथा पद और 8वां पद अंकल। हाँ जी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 8वां पद, तो फिर क्यों हम में से हरेक एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पढ़े हुए वचन को परमेश्वर हमें आशीष से भर के दे। यहां पर हम खास करके 4 अध्याय में पढ़ते हैं, एंड दे वेर ऑल फिल्ड विद द होली गोस्ट एंड बिगेन टू स्पीक विद अदर टंग्स एज द स्पिरिट गिव देम उतरेंस। आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने उन्हें दिया अगुवाई के द्वारा, वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे। और 8 में हम पढ़ते हैं, वो लोग खुद कह रहे सब हम अपने अपने भाषा में सुनते हैं। इसके लिए आइज़ाया 28 का 11 पढ़ना ब्रदर, आइज़ाया 28 का 11। वो तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। यहां पर भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं, पुराना नियम में यहूदियों का हृदय के कठोरता के वजह से किस तरह भविष्यवाणी होती है। आइए हम नया नियम में प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग जाने से पहले इसके बारे में क्या कहते हैं। मार्क 16 का 17 और 18 पढ़िए ब्रदर। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। 17 में हम पढ़ते हैं, एंड दीज साइन शैल फॉलो देम दैट बिलीव इन माय नेम शैल दे कास्ट आउट डेविल्स दे शैल स्पीक विथ न्यू टंग्स। साइंस, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला, ये चिन्ह है, ये चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों को क्यों दिया, ताकि लोग देख के पहचाने। ये चिन्ह कनिष्क का स्थापना के लिए, कनिष्क का बढ़ोती के लिए नहीं है। ये चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, इट इज अ साइन। साइन इज नॉट फॉर द बिलीवर्स। अभी हम पुराना नियम है, नया नियम है, यीशु मसीह के पास कई लोग आके बोले हमें चिन्ह दो, हमें चिन्ह दिखाओ,
हम विश्वास करेंगे। हम जानते हैं चिन्ह जो होता है विश्वास करने वाले को नहीं है, विश्वास करने वाले लोग को चिन्ह नहीं मांगा प्रभु यीशु मसीह ने, जो लोग नहीं किया उनको। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग जाने से पहला यहाँ बोलते हैं मैं चिन्ह देता हूँ। अभी चिन्ह जिस तरह अपोस्टल पाउल जब समुद्र से बोट से बाहर आता है, लोग लकड़ी में आंग डालते हैं, जब वो एक सांप उसके हाथ में लपेटता है, लोग का क्या कहते हैं, ये दुष्ट पापी समुद्र से तो बच के निकला लेकिन इसका कर्म ने इसको बचने नहीं दिया। वो लोग सोचे सांप अभी काट के गिर के मरे। जब वो समय तक कुछ नहीं हुआ, जब क्या ये तो नबी है, ये तो परमेश्वर का भक्त है। देखो इंसान का जबान चेंज करता है, ये चिन्ह है। यहाँ पर हमने जो भी पढ़ा, दीज आर ओनली साइंस फॉर टेम्पररी, ये चिन्ह है। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी हमने पढ़ा खास करके प्रेरित का 2:4 में दे स्पीक नॉट दे प्रीच, वो लोग ने बात किया प्रचार नहीं किया। ये ध्यान में हम रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं, अइसाया बोलते हैं मैं चिन्ह दूंगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेरित के कार्य में, ये लोग ने अन्य भाषा बात किया, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं चिन्ह दिया वो लोग बोलेंगे, और लोगों ने सुना, लोगों ने कहा, ये लोग अपना अपना भाषा में बोल रहे। स्पीक एंड प्रीच, बात करना और प्रचार करना दो अलग अलग विषय है। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर लास्ट में उसके बारे में ज्यादा बोलेंगे। आइए अभी प्रेरित के कार्य 8:14-17 पढ़िए। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरी ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो जब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम में बापतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। खास करके 17 में पढ़ते हैं, Then laid they their hands on them and they received the Holy Ghost. यहाँ पर कोई अन्य भाषा नहीं बोला, याद रखना। यहाँ पर समरी लोग उधार में आया, अपोस्टल आके प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा आया, यहाँ पर अन्य भाषा नहीं बोला। अभी प्रेरित का 10 में आइए ब्रदर, 10:44-46 पढ़िए। पतरस ये बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जिन्होंने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के पास आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। यहाँ पर हम देखते हैं एक अन्य जाति विश्वास में आते हैं, उसके बारे में हम जब डिटेल से अध्ययन करेंगे आएंगे। यहाँ क्या पढ़ते हैं, जब पीटर बोल ही रहा था, देखो मैथ्यू 17 में ऐसे मैथ्यू बोल ही रहे थे यीशु मसीह को, इधर रहना अच्छा है, 3 तंबू बनाएंगे, उतने में स्वर्ग से आवाज आया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पीटर प्रीच ही कर रहा था, चालू ही था उसका भाषण, तब पवित्र आत्मा आया। लेकिन यहाँ पर अजंबित कौन होता है, अजंबित विश्वासी लोग होते हैं। 45 में हम पढ़ते हैं कि जो लोग पीटर के साथ आया था वो लोग अन्य जाति के ऊपर पवित्र आत्मा आया देख के वो अजंबित होते। और ये 11 में जब पीटर एक्सप्लेन करता है, जब हम देखेगा तो पीटर बोलते हैं मुझे याद आया वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वो याद आया मुझे। देखिए यहाँ पर खास करके 46, फॉर दे हर्ड देम स्पीक विद टंग्स एंड मैग्निफाइंग गॉड। यहाँ पर भी प्रीच नहीं, दे स्पीक विद टंग एंड मैग्निफाइंग गॉड। गॉड नोज ऑल द लैंग्वेज, परमेश्वर को हरेक भाषा जानता है,
कभी भी प्रभु यीशु मसीह या दूत इंसान से जब बात किया तो स्वर्ग के भाषा में नहीं बात किया, उनका लोकल लैंग्वेज से बात किया, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, संसार की सारी भाषा वो जानते हैं, उसी ने वो बाइबल में उत्पत्ति का गहरा में भाषा को सब एक तितर बितर किया था, बुद्धि ये लोग टावर बना रहे थे। तो यहाँ पर खास करके हम पढ़ते थे कि हर बार हम जब स्पीक सुनते हैं, स्पीक एंड प्रीच, बात कर रहे थे और वचन बोल रहे थे, उसमें फर्क आता है। मैग्निफाइंग गॉड, वो लोग अन्य भाषा बोल रहे थे और परमेश्वर की महिमा करते थे, परमेश्वर हर एक भाषा जानते। ओके ब्रदर, 19 में आइए, प्रेरित कार्य 19। उन्नीस का 6 पढ़े। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो यहां पर भी हम पढ़ते हैं, एंड व्हेन पॉल हैड लेड हिज हैंड अपॉन देम द होली गॉस्ट केम ऑन देम एंड दे स्पीक विद टंग्स एंड प्रोपोसाई। स्पीक विद टंग्स एंड प्रोपोसाई, वहां पर परमेश्वर की महिमा किया या नबुवत किया और बात किया। देखो, बात किया, नबुवत किया, प्रचार नहीं किया। दे डिन प्रीच बिकॉज दे वर न्यू बिलीवर्स फ्रॉम जेंटाइल्स। तो हमें हर चीज देखना है। देखो, प्रीच जो होता है, पीटर ने जो एक्ट 2 में प्रीच किया वो अलग है, वो परमेश्वर का वचन बोलते। ये जो नबुवत करते हैं, जैसा आपको सौल को जब राजा बनाया, हम पढ़ते उसके साथ जो भी आया मिलके नबुवत करते थे, ठीक है, वो तो परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का गुण गाते हैं। लेकिन हमें डिफरेंस क्या करना है प्रीच और स्पीक के बीच में? हिंदी में प्रचार किया या बातें किया, परमेश्वर की महिमा किया या नबुवत किया? अब मैंने पिछले हफ्ते भी आपको सरल रीति से बताया था। देखो, ये जो चिन्ह दिया है, आगे हम पढ़ेंगे और आगे जाएंगे हम, चिन्ह जो होता है विश्वासियों लोग के लिए बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह स्वयं जब चिन्ह मांगा, एक ही चिन्ह बोला देगा, जोना के जैसा, मनुष्य पुत्र 3 दिन और 3 रात धरती के गर्भ में रहेगा, है ना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जरूरत नहीं है लोगों को चिन्ह देकर। आज देखो, आज कई बार आपका पंजाब में कोई नबी है, कभी कभी अचानक किधर से यूट्यूब में किधर आते हैं, देखते हैं, तो हजारों में भीड़ इकट्ठी होती है और क्या क्या तमाशा होता है। आप सुसमाचार प्रचार करो, उधर कोई भीड़ नहीं जमा है, क्योंकि उधर तमाशा होता है, हीलिंग होता है और अपने आप को नबी कहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से बताता है, प्रोफेसर टेम्पररी, और वो एफेसियन 2 में हम पढ़ते हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह कॉर्नरस्टोन है, भविष्य वक्ता और अपोस्टल लोग उसका फाउंडेशन है, उधर खत्म हो गया, वो सीज हो गया। ओके, तो आज भी लोग अपने आप को प्रोफेट है, यीशु मसीह बात करते हैं कुछ भी, लेकिन हमें जाने का जरूरत है, क्यों? हम वचन जानने वाले लोग है, हमें पता है ये सब क्या है करके। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं, दे स्पीक विथ डिफरेंट टंग्स एंड दे प्रोपोसाइड, इट इज ऑल चिन, इट वॉज अ साइन। क्योंकि देखो, सबसे पहला एक बात है, जिस तरह पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया, वो एक चिन्ह, वो जो कटे हुए लोगों को परमेश्वर ने दिखाया, नहीं तो उनमें पता कैसे चलता। जब कॉर्नेलियस के घर में भी विश्वासी लोग को देख के अचंभित हो गए, अरे हमारे ऊपर जिस तरह पवित्र आत्मा आया, ये अन्य जाति के ऊपर भी आया। और 11 में पूरा अपोस्टल पीतर जो है एक्सप्लेनेशन देता है, मुझे याद आया प्रभु ने कहा। तो अच्छी तरह हम समझना चाहिए, पवित्र जिस तरह प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे एक ही बार मरा, उसी तरह पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन एक ही बार स्वर्ग से इस संसार में उतर के आया। उसके बाद 2-3 बार जो घटना हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा से भरे, अन्य भाषा से
बात किए वो रिपीट है, रिपीट क्योंकि ये लोग नया थे। कैसा पता चलेगा? अभी देखो अन्य जाति का जब हम अध्ययन करेंगे देखेंगे कितना बड़ा एक अलगापन था। अगर ये विश्वासी लोग को साक्षी नहीं है, देखे नहीं है, जिस तरह हमारे ऊपर पवित्र आत्मा है उनके ऊपर भी आया, तो जेरूशलेम में बड़ा चर्चा होता था। नहीं नहीं नहीं, यहूदियों का कनिष्ठ में अन्य जाति के लोगों को कोई स्थान नहीं है, हम जानते हैं ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने चिन्ह दिया, और चिन्ह जो होता है वो हमारे लिए नहीं है। हम विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह, हम जब विश्वास करने को आते हैं हमें कोई चिन्ह का आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए ब्रदर, फर्स्ट पहली कोरिन्थियों का 12 में आइए ब्रदर। बारह का 10 पढ़िए, पहली कोरिन्थियों का। बारह का 10 अंकल? हाँ जी, 10, 12 का 10। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने और शक्ति शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को और किसी को भाषाओं को अर्थ बताना। सबीर भाई, आपका नेटवर्क कट रहा है, आपका नेटवर्क बराबर नहीं है, कट रहा है, इसलिए मैं बॉबी डोनाल्ड से रिक्वेस्ट करूंगा आपका। ओके, कोई बात नहीं, प्लीज। मैं बोला था मेरे नेटवर्क थोड़ा सा कम। बॉबी डोनाल्ड भाई, आपका नेटवर्क एकदम सही है। ओके ब्रदर, मैं पढ़ता हूँ 12:10 ब्रदर। पहली कोरिन्थियों का 12 का 10 पढ़िए बॉबी ब्रदर। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाव का अर्थ बताना। हाँ, यहाँ पर जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने कनिष्ठ को दिया हुआ वरदान के बारे में हम पढ़ते हैं, एक ही सेंटेंस में 10 में हम क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं? To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of the spirits, to another diverse kind of tongues, to another the interpretation of the tongues. जहां परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा में बताता है, पवित्र आत्मा ने कनिष्ठ का बढ़ोती के लिए वरदान जहां पर गिफ्ट दिए है, वहां पर अन्य भाषा बोलने वालों को अन्य भाषा के साथ अनुवाद करने का भी गिफ्ट दिया है। अन्य भाषा, देखिए, एक तो हम विश्वासी लोग जानते हैं अन्य भाषा स्वर्ग की नहीं है। स्वर्ग की भाषा में कभी भी प्रभु यीशु मसीह या दूत लोग इंसान से बात नहीं किया है। इंसान से जब संदेश लाया तो कर्नेलियस को पास आया तो उसके भाषा में बात किया, पीटर के पास आया तो उसके भाषा में बात किया, अगार के पास आया तो उसके बात में बात किया। तो हम जानते हैं यहाँ पर जब संसारिक इतना हजारों भाषा, हमारे इंडिया में ही 300 के ऊपर भाषा है। देखिए, मैं 8 भाषा बोलता हूँ, पूरी 8 भाषा बोलता हूँ, लेकिन प्रचार सिर्फ 3 भाषा में ही करता हूँ, क्योंकि कोंकणी मेरा मातृभाषा है, हिंदी स्टेट लैंग्वेज है और इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है। 3 भाषा मुझे आते, उसी में मैं कहीं भी जाएगा तो बात करते हैं। बाकी जो मुझे तुलू, कन्नाडा, मराठी, गुजराती, अरबी, जो भाषा थे उसमें वही कभी भी एक वचन भी नहीं बोलता हूँ, प्रेयर भी करने का हिम्मत नहीं लेता हूँ, क्योंकि हम जो भी परमेश्वर के लिए करते हैं पूरा वो शवाद के साथ, समझदारी के साथ करना है। इसीलिए जब पवित्र आत्मा ने वरदान दिया अन्य भाषा बोलने वाले को, संसार की अन्य भाषा बोलने वाले को अनुवाद करने का, आप जानते हैं इंडिया में हिंदी भाषा किसने निकाला, मलयालम भाषा, भाई सबीर भाई सब अच्छी तरह जानते होगा, जिसने एक बाहर गांव से अन्य देश का इंग्लिश भाई ने इंडिया में आकर, विलियम केरी है ना शायद, कितने सारे भाषा सीख कर पढ़कर
उसको लिपि बनाया है ना। तो पवित्र आत्मा के बिना कोई कर सकता है क्या? एक फॉरेनर इंडिया में आके हमारी भाषा सीख के उसका लिपि निकालना, उसको अनुवाद करना, उसके भाषा में बाइबल निकालना, प्रिंट खोलना, ये सारे चीज परमेश्वर की दया अनुग्रह के अनुग्रह से पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली बताता है, जब पवित्र आत्मा वरदान देता है अन्य भाषा, यदि मैं इंग्लिश में बोलूं तो हिंदी में अनुवाद करने का शक्ति भी मुझे परमेश्वर देता है, मुझे नहीं दिया तो दूसरा भाई को, जिस तरह आपके उधर अनुवाद होता है इस तरह। तो यहां पर क्लियरली हम पढ़ते हैं गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कन्फ्यूजन। परमेश्वर जो भी वरदान देता है उसका पीछे अल्टरनेट उसको देता है। ओके ब्रदर, तो 13 में आइए, 13 पहली कोरिंथियों का 13, उसका 13:8 पढ़िए। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। Charity never faileth, but whether there be prophecy, they shall fail. Whether there be tongue, they shall cease. ये हम जानते एक तात्कालिक वरदान है, that shall cease. प्रभु यीशु मसीह ने, देखिए हम एक बात अच्छी तरह जानना चाहिए, कनिष्ठा जब स्थापन हो गया, प्रेरितों के पास कोई लिखित वचन नहीं था, क्योंकि वो स्थापन है। जिस तरह मूसा के समय लिखित वचन नहीं था पुराना नियम का, मूसा जो 2000 साल बाद या 2500 साल के बाद पहला व्यक्ति है पास्ट एक बुक और उसके बाद सारा लिखने वाला, पांच बुक जो लिखा है, मूसा वॉज नॉट देयर 2005 ईयर बिफोर। प्रभु के आत्मा के द्वारा उसने पास्ट लिखा है। किस तरह नया नियम में जॉन ने 2000 साल के भविष्य के बारे में लिखा है। तो यहां पर हम पढ़ते हैं सर्टन गिफ्ट्स दे आर गोइंग टू सीज। शुरुआत के लिए दिया है चमत्कार होने के, देखो अच्छी तरह हम जानते हैं अपोस्टल पाउल ने बहुत सारे चमत्कार किया, लेकिन जब अपना साथी बीमार पड़ गए उसको छोड़ के वो आया, क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं दीज गिफ्ट्स वर टेम्पररी। जो भी साइंस दिया, जो भी दिया वो टेम्पर। आज हमारे पास 66 बुक है, हमें कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं, भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं। यदि कोई बोल रहा है भविष्यवक्ता, ये झूठ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलते हैं ये अंत हो गया, उसको कोई जोड़ना नहीं, उसको निकालना नहीं, इट इज ऑल फिनिश, नो मोर प्रोपोसी फॉर अस। ओके, तो यहां पर भी हम पढ़ते हैं टंग्स विल सीज, अन्य भाषा जो एक वरदान जो साइन दिया था वो सीज हो जाएगा। ठीक है, अभी आइए हम पहली कोरिंथियन का चैप्टर 14 में। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, हम जो ब्रदर इन विश्वासी, एक पूरा चैप्टर 14 चैप्टर शुरू से लेकर अंत तक टंग्स के बारे में बात करता है। क्यों दिया है, क्यों हमें ये पूरा एक चैप्टर दिया है? क्योंकि परमेश्वर जानता था आगे जाकर कई झुंड निकलेंगे और ऐसा संसार में चलेगा, इसलिए हमें वचन दिया। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, ये जो इतना लिखा हुआ वचन है 14 में, एक एक बातें पवित्र आत्मा ने हमें अन्य भाषा के बारे में लिखा है, वो जो दूसरे झुंड है ना, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, दूसरे झुंड के लोग है, उनको घंटे घंटे भर भर इसको सिखाओ, फिर भी वो एक बात लेके बोलेगा नहीं ब्रदर, वो लास्ट में लिखा है ना, डोंट प्रोहिबिट दोज हू स्पीक इन टंग, वो मना नहीं करने को बोला है। अरे मना नहीं करने को बोला है, किसको मना नहीं करने को बोला है? ये जो संसारी की भाषा, आज एक रशिया से भाई हमारे पास आएगा, उसका भी भाषा हमारा भाई अनुवाद करेगा। एक संसार के कोई भी कोने में एक प्रीचर, एक अन्य देश में, जापान में जाओ, किधर भी जाओ, उधर एक लोकल व्यक्ति रहेगा मेरा भाषा अनुवाद करने वाला। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कितना जगह जाता है, अगर मैंगलोर में जाएगा मैं कोंकणी में बात करेगा तो भी दूसरा भाई कन्नड़ा में अनुवाद करता है, क्योंकि हमारा जो लोकल असेंबली है वो कन्नड़ और कोंकणी है, तो उसमें कुछ मलयाली लोग भी आते हैं, तो उनका बेनिफिट के लिए यदि मैं इंग्लिश में करेगा तो वो कन्नड़ा में करेगा, यदि मैं कोंकणी में करेगा तो भी वो कन्नड़ा में करेगा, क्योंकि
वहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति को वचन समझना है। एक व्यक्ति को भी वचन नहीं समझ रहे तो देखिए, अभी मुझे 8 भाषा आते हैं। मुझे हमारा लोकल भाषा जो मैंगलोर का है कोंकणी, कन्नड़ा और तुलु मेरा घर का भाषा है। अगर मैं 1 घंटा आपके साथ कोंकणी मुझे अच्छी तरह आता है क्योंकि मैं एक कोंकणी विश्वासी हूँ, हमारा कुवैत में कोंकणी असेंबली है, आपको कुछ समझेगा? देवान संसार सो इतलो वर्तो मोग केलो ताने आपले अक्लेस मोगाच्या पुताक दिलो जो कोण तक सत म्हणता ताने नाश सही नहीं बगर तक सस्निक जीवित लाभो। हाँ आपको समझेगा नहीं समझेगा ना? अगर एक भाई अनुवाद करेगा तो बराबर समझेगा। तो इसीलिए पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ सुनता है, आगे जाके क्या होने वाला है। तो 1:14 जहां पर 13 में सीज बोला, 14 में एक एक वचन अपोस्टल पॉल इस तरह एक्सप्लेनेशन करते हैं, अनपढ़ भी समझ सकते हैं, कोई भी यदि प्रभु का भाई है प्रभु का वचन जानने वाला समझ सकते हैं। हम वो पूरा चैप्टर को नहीं जाएंगे, आपसे विनती करते हैं हम, आप लोग ये चैप्टर को बार बार पढ़िए तभी आपको पता चलेगा ये अन्य भाषा क्या है, अन्य भाषा किसके लिए है, अन्य भाषा से कनिष्या को क्या फायदा है, ये पूरा यहाँ पर है। इसलिए हम इसमें बीच बीच के वचन को पढ़ेंगे, आप लोग बार बार ये पढ़ना। हमें एक ब्रदर एंड विश्वासी ये चैप्टर को अच्छी तरह जानना है क्योंकि एक अन्य भाषा बोलने वाले झुंड के साथ बात वाद विवाद करना है तो हमें ये वचन लेके करना है, क्योंकि ये वचन में हमें पागल भी बोला है, हमें बारबरियन भी बोला है, हमें क्या क्या बोला है यदि हम अन्य भाषा बोलते हैं तो। आइए हम उसमें से कुछ ही वचन को पढ़ेंगे। ब्रदर 1 Corinthians chapter 14 का सबसे पहला 4 पढ़िए। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके है कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं, इसलिए कि उसमें की कोई समझता नहीं, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्य करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। देखिए कितना साफ तरीके से परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। अन्य भाषा सुर की बातें नहीं है, उसके बारे में भी देखेंगे। संसार की कोई भी भाषा यदि मुझे आता है तो मुझे बात करने के लिए परमेश्वर मना नहीं करता है। परमेश्वर बोलते हैं मुझसे बात करो, मुझे सब भाषा आते हैं, लेकिन तुम ये बात कर रहे हो तो अपनी महिमा कर रहे हो, कनिष्या को इससे कोई फायदा नहीं। देखो 4 में ही पढ़ता हूं, ई दैट स्पीकथ इन अननोन टंग एडिफाइथ हिमसेल्फ बट ही दैट प्रोपोसाइथ एडिफाइथ द चर्च। एक अन्य भाषा, देखो मैं दुनिया घुमाए मेरे को शायद बहुत सारे भाषा आते हैं, मैं कनिष्या में आके बड़ाई करूंगा तो किसका बड़ाई होता है? अपना ही होता है, कनिष्या को कोई फायदा नहीं। लेकिन जब हम सामने बैठा उनके भाषा में नबोवत करेंगे या प्रचार करेंगे किसका एडिफिकेशन होता है? कनिष्या का। देखो ये जितने भी वरदान हम पढ़ते हैं कनिष्या का एडिफिकेशन के लिए परमेश्वर ने दिया है, हरेक को अलग अलग वरदान दिया है। ये सारे वरदान मिलके देखिए, जिस तरह हमारा शरीर में अलग अलग अंग है उसी तरह ये सारे वरदान मिलके क्या करना है, कनिष्या को बढ़ोती देना है, कनिष्या को बढ़ाना है, कनिष्या को डिस्पाइस या रिजेक्ट करने के लिए कोई वरदान नहीं दिया है। तो यहाँ कहा हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम जो भी करेंगे अपने आप को बढ़ाई नहीं, कनिष्या के लिए हम करना चाहिए। ओके उसका फिर 13 पढ़िए ब्रदर 13। देखो सब नहीं पढ़ रहे, ये बहुत सारे पूरा चैप्टर पढ़ने को जाएगा तो बहुत समय चाहिए, आप पढ़िए 13 पढ़िए। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करें कि उसका अनुवाद भी कर सकें। हाँ देखिए ना, अन्य भाषा बोलने में कोई मनाही नहीं है। मैं आपके बीच में आकर मैं इंग्लिश में बोलूंगा लेकिन एक समय में हिंदी में भी बोलने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि सामने बैठे वाले में से 4 जन इंग्लिश जानते हैं, बाकी 20 जन इंग्लिश नहीं जानते।
तो हम क्या करें, पहला प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं जा रहा हूं ग्वालियर में, वहां पर मुझे प्रचार करना है, तो इंग्लिश तो मेरा फ्लूइड भाषा है लेकिन हिंदी बोलने के लिए भी मुझे मदद कीजिए, ताकि बीच बीच में मैं हिंदी में बोलूं तो वहां जो सामने बैठे उन्हें समझू ये कौन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। देखो अन्य भाषा मेरा भाषा, देखो आज हमारे इंडिया में अन्य भाषा को अपने को बाहर जाने का जरूरत नहीं, हमारे इंडिया में जितना अन्य भाषा है अलग अलग भाषा दुनिया में किधर भी नहीं है, हमारा जो कल्चर है अलग अलग स्टेट का अलग अलग भाषा है, हमारा जो मैंगलोर में हम क्रिश्चियन लोग कोंकणी बोलते हैं, वो होटल वाले जो हिंदू लोग है वो लोग तुलु बोलते हैं, ब्राह्मण लोग है कन्नड़ा बोलते हैं जो स्टेट लैंग्वेज है, और मुस्लिम लोग है वो तमिल और मलयालम के बीच में अलग एक भाषा है, हमारे पड़ोस में चार भाषा चलता है, ज्यादा करके सबको चार आता है, लेकिन हम तो छोटे से ही बॉम्बे आया तो मेरे को चौथा भाषा नहीं आता है। तो भाषा तो बहुत है लेकिन परमेश्वर स्वयं बोलते हैं Wherefore let him that speaketh in unknown tongue pray that he may interpret। अनुवाद, आप जो बैठे हैं अभी रंजित भाई बोलेगा अरे भाई को टाइम वेस्ट करने का है, चलो डायरेक्ट इंग्लिश में बोलने दो जितना समझा ठीक है, फायदा है क्या? आप लोग इतना देर बैठते हैं कुछ भी पाते नहीं है तो क्या फायदा है? इसलिए हर इंग्लिश वाला बोलने वाले के बीच आपके बीच में परमेश्वर ने अनुवाद करने वाले को कितना जन को रखा है, ये काई के लिए रखा है, कनिष्य का बढ़ोती के लिए, कनिष्य का एडिफिकेशन के लिए। ओके तो फिर 18 और 19 पढ़िए ब्रदर। कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी जान पड़ता है, और कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। देखिए अपोस्टल पॉल सचमुच में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, रोमन सिटीजन भी है, उसको कई भाषा भी आते हैं, है ना, लेकिन वो क्या कहते हैं, I thank my God, I speak with tongues more than you all। आप सबसे ज्यादा भाषा मुझे आता है, क्योंकि रोमी का भी आता होगा, इब्रू आते होगा और ग्रीक आता होगा, वो पता नहीं कौन सा, लेकिन वो खुद कह रहा है मुझे बहुत सारे भाषा आते हैं, लेकिन 19 में पढ़ते हैं, Yet in the church I had rather speak 5 words with my understanding that by my voice I might teach others also than 10,000 words in unknown tongue। हम आके मेरा भाषा का बढ़ाई करके आपके सामने एक घंटा बोलते जाएगा फुल स्पीड में 100 के स्पीड में, लेकिन किसी को कुछ समझा नहीं तो क्या फायदा है, नहीं। सो अपोस्टल पॉल स्वयं बोलते हैं सामने वाले समझने वाले को 5 शब्द बोलने से सामने वाले का एडिफिकेशन हो जाता है, मेरा 1,000 शब्द बोलने से। तो ये हमारा ये पूरा चैप्टर हमें सिखाता है, हमें भले कितना हम दुनिया घूमेगा बहुत सारा भाषा सीखेगा, भी कोई लोग 14 भाषा 15 भाषा आते हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है। आप जब ये चैनल में टीवी में सब देखते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर जापान जाएगा चाइना जाएगा उधर के लोग कैसा अनुवाद करते, तो हरेक को परमेश्वर ने भाषा अनुवाद करने का गिफ्ट नहीं दिया, लोग पढ़ लिख के भी करते हैं, तो ये हमारे हमारे को दिया हुआ वरदान है, लेकिन हम वो कनिष्य में कनिष्य के फायदे में नहीं है तो क्या फायदा है बोल के कितना भी भाषा, इसलिए ये हम सोचना चाहिए अन्य भाषा। अपोस्टल पॉल जब बोल रहे आई स्पीक मोर देन, हम तुमसे ज्यादा भाषा बोलते हैं तो स्वर्ग की भाषा नहीं है, स्वर्ग की भाषा आप जानते हैं दूसरा कोरिन्थियन में 12 में एक ब्रदर वो उधर ही रखे, सेकेंड कोरिन्थियन 12 में एक वर्स पढ़िए ब्रदर। बारह का 3 और 4 पढ़िए ब्रदर। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्यों को उचित नहीं। How that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which it is not lawful for a man to utter। ये अपोस्टल पॉल अपने स्वयं के बारे में पढ़ता है, जब उसको
पत्थर मार के मर गया करके डाला था शायद परमेश्वर ने उसको आत्मा से, वो मर गया था करके वचन ही बोलते वो मर गया था, तो उसको स्वर्ग में पैराडाइज में उठा के लेके गया, वहां पर उसने देखा। ठीक है, वो क्या बोलते हैं हिंदी में और एक बार पढ़िए चार को ब्रदर, और एक बार हिंदी में पढ़े कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसे बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्यों को उचित नहीं। हाँ, हम लोग अभी जो अन्य भाषा बोलने वाले बोलते हैं स्वर्ग की भाषा है अंधूर, अरे भाई स्वर्ग की भाषा आप बोल नहीं सकते, आप मूर्ख है, आपको संसार की भाषा पूरा नहीं आता तो स्वर्ग की भाषा क्यों देगा परमेश्वर। हाँ, बोलना तो छोड़ो उसके बारे में, अट्टर जो कर्म कहना भी बहुत ही गुनाह है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग की भाषा संसार के लोगों को नहीं दिया। संसार में इतनी भाषा है, वो बाबिल में हमने देखा परमेश्वर ने सबको अपना भाषा तितर बितर किया, तो आज संसार में कितनी भाषा चलती है वो हमें नहीं आता है, फिर हम क्लेम करेंगे सर की भाषा हम बोलते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए सबसे पहला बात है, अन्य भाषा जो भी झुंड में बोलते हैं उनको आप पूछो आपको पता है, बोला नहीं वो आत्मा बोलते हैं। अच्छा, सुनने वाले को पता है, नहीं वो आत्मा बोल, अरे भाई जब यहाँ पर इतना पूरा एक चैप्टर लिखा है स्वर्ग का भाषा नहीं है संसार का भाषा है, आप दो शब्द भी बोलेगा तो अनुवाद करने वाला व्यक्ति को साथ में लेके बोलो, नहीं तो चुप बैठो परमेश्वर से बात करो। हाँ, तो सबसे पहला हम वचन में जानना है, एक जगह पढ़कर हम तय नहीं करना है, हम जैसा हमने बोला हर बाइबल को पलटना है इसके बारे में और किधर क्या क्या लिखा है। तो स्वर्ग की भाषा परमेश्वर ने मनुष्य को कभी भी नहीं दिया, परमेश्वर मनुष्य की भाषा से हमेशा मनुष्य से मेरी के पास आया, मेरी का भाषा आप भाषा में बात किया, गधे से बालम के समय गधे से बात किया गधा बात किया, तो संसारी की भाषा बालम की भाषा। तो हम समझना है यहाँ पर क्लियर लिखा है, अपोस्टल पॉल कहते हैं दो शब्द बोलो वो अच्छा है। ओके, उसका 22 पढ़िए ब्रदर, 22 फर्स्ट कोरिन्थियन 14:22। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणियां अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। Wherefore, tongues are for a sign not to them that believe, but to them that believe not. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. देखिए, यहाँ जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मार्क 16 में हमने पढ़ा, यहाँ पर फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, ये जो चिन्ह है ना, Wherefore tongues are for a sign to the unbelievers, not for the believers. Believer doesn't need any sign. विश्वासियों को कोई चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम क्रूस पे मरा हुआ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही करते हैं। तो हमें कोई चिन्ह का जरूरत नहीं, हमें सबसे बड़ा चिन्ह है हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा गाड़ा गया तीसरे दिन जी उठा, उससे बड़ा चिन्ह हमें कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह था, जब भी लोग डिमांड कर रहे थे कुछ चिन्ह बताओ कुछ करके दिखाओ, जब भी हम विश्वास करेंगे, हमारे प्रभु को ऐसा विश्वासी लोग नहीं चाहिए, हमारे प्रभु को विश्वासी लोग पौल जैसा चाहिए जो खिलाफ था, लेकिन जिस वक्त प्रभु ने उसको बुलाया पूरा चेंज करके उसके लिए अपना जान दिया। तो यहां पर हम पढ़ते हैं जैसा मार्क में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने ये जो अन्य भाषा दिया आजू बाजू वाले को देख के परमेश्वर की महिमा करने के लिए और पहचानने के लिए कि ये क्या है। कार्य में 2 में ऐसे ही हुआ, 10 में ऐसे ही हुआ, 19 में ऐसे ही हुआ, ये बाजू के लोग हमारे साथ लोग हमको देख के परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, नहीं आज हमारी एक गवाही है परमेश्वर का महिमा, हमारा काम नहीं। देखो हम कितना काम करते हैं वो प्रभु अकेला जानते हैं, लेकिन हमारी गवाही जो है प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा गवाही परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने, मनुष्यों के सामने जरूरी है, परमेश्वर तो स्वर्ग में अंदर की बात जानता है, लेकिन हमारा बाहर का उठना बैठना भी अन्य लोग जानकर वो परमेश्वर को महिमा करना चाहिए। यदि हमारा गवाही नहीं है तो हमारी गवाही, हम सुबह 11 बजे रात को 2 बजे तक सीरियल देख के 3 बजे सोते हैं,
सुबह 11 बजे उठते हैं, पूरा पड़ोसी को हम बोल के रखते, भाई देख कोई भी आएगा मेरा घंटी मारने नहीं देना क्योंकि मेरा ये सोने का ढकता। ऐसा कुछ विश्वासी है हमारे भी घनिष्ठ में थे, बोल के रखते थे पड़ोसी को, तो पड़ोसी हम जाएगा तो बोलते नहीं नहीं अभी वो बेल मत मारना, उनका भी सोने का समय कितना बजे 11 बजे सोने का सुबह का, क्योंकि 2 बजे तक पूरा एक के पीछे एक सीरियल हमको देखना है। तो हमें गवाही, हमारी गवाही मनुष्य के सामने चाहिए, हमारा गवाही एक गॉस्पल होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं सिर्फ बाइबल खोल के उनको बोलूंगा, नहीं वो हमारा जीवन भी देखना चाहिए, अरे ये बाइबल लेके उधर जा रहा है हर संडे, इसके अंदर हमारे और इसके अंदर कुछ फर्क है क्या। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ओके उसका 22 पढ़े आपने, 23 भी पढ़िए ब्रदर। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोलें और अनपढ़े या विश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? हाँ और क्या चाहिए भाई। हाँ अगर आप अन्य भाषा बोलेंगे और बोलेंगे का विषय क्या बोलेगा, वो पागल। हाँ पागल है ना, तो हम लोग को पागल लोग थोड़ी है, हम जब इकट्ठे होते हैं पागल लोग नहीं है, पागल थे हम एक समय में, लेकिन प्रभु ने हमें ठीक करके उधार में लाया, नया सृष्टि हमें बनाया है। तो हमें हमारे बीच में कोई भी आता है तो हमें चमत्कार, आगे के बातों में आप पढ़ेगा तो पता चलता है। ओके लास्ट 27 और 28 पढ़िए ब्रदर, 27 और यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन 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 बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। मैं ये चैप्टर बहुत पसंद करता हूं क्योंकि ये एक चैप्टर है, हम कोई भी झुंड के साथ वाद विवाद कर सकते हैं, एक एक सेंटेंस इसका हम विश्वासी लोग के लिए कितना जरूरी है। जब कितना हमें, जब अन्य भाषा बोलते हैं मना नहीं करते परमेश्वर, आप रशियन भाषा बोलो, जापानीज भाषा बोलो, चाइनीज भाषा बोलो, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे तीन जन बोले और खास करके 28, बट इफ देर बी नो इंटरप्रेटर लेट हिम कीप साइलेंस इन द चर्च एंड लेट हिम स्पीक टू हिमसेल्फ एंड टू गॉड बिकॉज गॉड नोज ऑल द लैंग्वेज। तो हमें चुप रहने के लिए कहते हैं परमेश्वर का वचन, हमें कहते हैं हम जिस कंडीशन में जाएगा मुझे कुछ बोलना है, गवाही देना है, अनुवाद करने वाला भाई नहीं है तो मैं चुप बैठूं, अपने आप से और परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर मेरी भाषा जानता है। ओके लास्ट में उसका 37-40 पढ़िए। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वह परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परंतु यदि कोई ना जाने तो हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना करो, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। देखिए यहां पर साफ तरीके से लिखा है, जो भी मैंने लिखा है वो परमेश्वर का, और मैं उसका 33 भी पढ़ता हूं, फॉर गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कन्फ्यूशन बट ऑफ पीस एस इन ऑल चर्चेस। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, शांति का है। यहां पर पढ़ते हैं ये परमेश्वर का आदेश है, और 38 में पढ़ते हैं बट इफ एनी मैन बी इग्नोरेंट लेट हिम बी इग्नोरेंट, कोई अनजान है तो अनजान रहने दो। 39 Wherefore, brethren, covet to prophesy and profit not to speak with tongues. ये वचन लेके वो लोग बोलेंगे। देखिए यहां पर अन्य भाषा बोलने वाले को मना नहीं करने को बोला है, सही बात। मना किया क्या परमेश्वर ने? नहीं मना किया, आपको बोला बोलो, बांति बांति में बोलो, लेकिन सबसे पहला क्या है, आप एक व्यक्ति को तैयार करो अपने साथ अनुवाद करने के लिए। नहीं हम जब भी कोई भी केरला में जाते हैं सबसे पहला वहां तपास करते हैं मेरा इंग्लिश का अनुवाद करने वाला भाई है क्या, तो ही मैं उधर बोलूंगा प्रीच करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना तो परमेश्वर है वो लोग भी समझ सकते थोड़ा बहुत, लेकिन प्रचार नहीं। तो ये वचन अन्य भाषा बोलने के लिए कनिष्ठ में मना ही नहीं है,
लेकिन कितना बार बार हमने पढ़ा, अनुवाद करने का मुझे वरदान मिले। अगर मैं खुद दो भाषा में कर सकते अच्छी बात है, हिंदी और इंग्लिश या जो भी आवश्यकता के अनुसार बांधी बांधी में मैं बोलूं, नहीं है तो अनुवाद करने वाले को पहला सबसे पहला तलाश करूं कि मैं आज आंध्रा में जा रहा हूं, मेरा भाषा अनुवाद करने के लिए एक भाई उधर तैयार है क्या, है तो अच्छी बात है, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, नहीं तो मैं परमेश्वर के साथ बैठ के जैसा आज हमारे बहन लोग कनिशा में बैठते क्या बातें नहीं करते, परमेश्वर से बातें करते, प्रार्थना करते, मन में करते, सब करते, परमेश्वर सुनता है ना। ओके लास्ट 40, लेट ऑल थिंग्स, हिंदी में और एक बार पढ़िए ब्रदर 40 को। पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। हाँ, सारी बातें, लेट ऑल थिंग्स बी डन डिसेंटली एंड इन ऑर्डर। ये डिसेंटली, देखो परमेश्वर चाहते हर कुछ, परमेश्वर के भवन जो है सत्य का खंबा है, वहां पर हर एक चीज ऑर्डर से चले और परमेश्वर को बताओ जैसा चले। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का है, जो भी ये लिखा है परमेश्वर का आदेश है, हमको मानना है। हमें हमारा बुद्धि परमेश्वर ने मूर्ख करके कहा है, हमारा बुद्धि से हम किधर भी जाके कुछ भी एक घंटा प्रचार करेगा कनिष्क को कोई लाभ नहीं होएगा, इसलिए कोई हमें पागल बोलेगा, कोई मुझे और कुछ बोलेगा, इससे अच्छा मैं दो शब्द बोलूं उससे कनिष्क को एडिफिकेशन होएगा। आइए ब्रदर अभी प्रेरिति के कार्य 2 का 41 पढ़िए। उन्होंने उसका ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनसे मिल गए, उनमें मिल गए। ये हम आने वाले दिनों में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया करके लिखा, क्या वो लोग ने अन्य भाषा बोला करके लिखा? हाँ, ये जो प्रभु यीशु मसीह ने 3,000 लोगों को कनिष्य में ऐड किया, जो लोग बैप्टिसम लिया उधर, ये कुछ पढ़ते हैं। आइए ब्रदर 4:4 पढ़िए, उसी का 4:4। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। हाँ, यहाँ पर गिनती अभी 5,000 का हो गया। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने वो लोग बैप्टिसम लिया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, अन्य भाषा को या रिवील नहीं किया है। हाँ, क्योंकि ये विश्वासी लोग के लिए, विश्वासी को कोई अन्य भाषा कोई चिन्ह का आवश्यकता नहीं है। हम विश्वास प्रभु का काम के ऊपर करते, प्रभु को सबसे पहला हम प्रभु को पहचानना है। ऐसा कई लोग विश्वासी है लेकिन प्रभु यीशु मसीह को स्वयं नहीं पहचानते, त्रिएक परमेश्वर को नहीं पहचानते, तो सबसे पहला विश्वासी जो है पूरा प्रभु को पहचान के सब कुछ त्याग करके उसके लिए आते हैं। उसको कोई चिन्ह की जरूरत नहीं है और वचन में लिखा हुआ प्रूफ की जरूरत नहीं है। यहाँ क्यों अन्य भाषा नहीं बोला 5,000? ये लोग तो पवित्र आत्मा भी नहीं मिला 5,000, फिर कैसा कनिष्य में ऐड हो गया? ओके, उसके बाद 6:7 पढ़िए ब्रदर। प्रेरित के कार्य 6:7। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। हाँ, यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन बढ़ते गया, चुंड बढ़ते गया, और पहली बार पढ़ते हैं बहुत सारे याजक लोग, जो लेवी गोत्र के याजक लोग है, वो लोग बहुत बड़ा संख्या में विश्वास में आया। उधर अन्य भाषा बोला, उधर पवित्र आत्मा मिला करके रिवील किया, उधर पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म दिया करके लिखा है। देखो, ये विश्वासी लोग के लिए, विश्वासी को कोई चिन्ह का जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला, मैं उसे चिन्ह देता हूं। देखो, अपोस्टलों ने बहुत सारे चमत्कार किया, पीटर ने भी मरा हुआ को दोरकास को जिलाया। तो लास्ट तक था नहीं है, लास्ट तक नहीं, शुरू में, क्योंकि ये लोगों को देख के
पता करने के लिए ये प्रभु के लोग है। जब प्रेरित का कार्य 4 में सब पढ़ते, 3 में सब, जब पीटर ये लोग सब प्रचार किया और इतना हिम्मत के साथ मारा, फिर बोला, चेतावनी दिया, बाहर जाके यीशु के माथे पे बोलना नहीं, तो बाहर आके बोला, अरे यार कौन सा अच्छा है, तुम्हारा सुनना है कि उनका सुनना है? हा? तो ये विश्वास है। विश्वास करने वाले को कोई चिन्ह का जरूरत नहीं है, लिखा हुआ भी जरूर नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितना लिखा है तुम्हारे लिए काफी, और ढूंढने का जरूरत नहीं है। तो प्रभु की इच्छा है तो हम लोग आने वाले दिनों में इसके ऊपर अध्ययन, ओ 40 तक हमने परसों किया था, उसके बाद हम 41 से डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला हमें एक बात जानना है, कुछ जो चीज होता है शुरुआत में हो गया, क्योंकि उनके पास बाइबल नहीं था, लिखित नहीं था, 60 के बाद, 70 के बाद, 80 के बाद लिखा, और फिर बहुत सालों के बाद ये बाइबल प्रिंट करके ये किया, वो जान जो। अभी दूसरा बात, एक सबसे पहला जानना है, क्यों लिखा नहीं है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में, बैप्टिज्म वो लोग लिया। देखिए, हमने काई को पुराना नियम का स्टडी लिया था, नोह के बारे में, नोह को परमेश्वर ने 100 साल के पहला एक ही बार ऑर्डर दिया था, 100 साल तक नोह के पास परमेश्वर बात नहीं किया उसने, लेकिन पूरा बोट बनाया। ओके, मूसा के बारे में पढ़ते हैं, मूसा को परमेश्वर ने तंबू बनाने का एक ही बार आज्ञा दिया, उसके बाद याद रखो सोलमन ने जब मंदिर बनाया परमेश्वर ने फिर से उसको नक्शा नहीं। जब जरबबल ने दूसरा मंदिर जब परमेश्वर ने बनाया आगे में, और सब पढ़ते हैं, परमेश्वर पूछता है तुम में से कौन है जो पहले मंदिर का सुंदरता देखा है? तो पवित्र आत्मा के द्वारा जरबबल ने कितना सालों के बाद फिर से एक मंदिर बनाया, आज जो यीशु मसीह आने का टाइम जेरूशलेम में था, परमेश्वर ने नक्शा नहीं दिया। यदि परमेश्वर का वचन एक बार बोला 100 साल याद रख के कर सकते हैं, यहाँ तो 10 ही दिन हुए भाई, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाके 10 दिन पहला तो तुमको बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टिज्म देना, तो अपोस्तल 10 दिन में क्या भूल गया या उसका आज्ञा तोड़ा? एक ही बात याद रखना, यदि अपोस्तल ने बराबर नहीं किया, जहां पर पवित्र आत्मा नहीं आया, 2-3 जगह हम पढ़ा, उसी तरह प्रभु ऐड भी नहीं करता था कनीशा को, 3,000 लोगों को। ये हमारा बुद्धि का बात है, और इसके लिए सबसे अच्छा पद है वो कोजा, एनोक और फिलिप जो गाड़ी में जाते हैं। फिलिपोस ने उसको कहां से प्रचार किया बैप्टिज्म के बारे में, जब एनोक बोल रहा है देखो पानी है तो क्या अर्चन है मुझे पवित्र स्थान देने में? अगर फिलिपोस ने उसको पवित्र स्थान के बारे में प्रचार किया वो गाड़ी में, तो फिलिपोस ने यहाँ कहां से तो लिया है ना, वो तो यीशु मसीह के समय में शिष्य तो नहीं था। तो इतना हम जानना चाहिए, हमको जरूरी नहीं है, क्योंकि 10 दिन पहला प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया स्वर्ग जाने से पहला ऐसा करना, तो अपोस्टल लोग कोई शॉर्टकट नहीं करेगा। देखो, लूक ने लिखते समय, लूक ने लिखा एक जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम में लिखा, एक जगह प्रभु के नाम में लिखा, लेकिन वो पवित्र आत्मा ने जरूरी नहीं सोचा, क्योंकि आपको तो ABCD फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाया है, फिर 10th स्टैंडर्ड में ABCD का ही को सिखाना है। तो यहाँ पर ये बात हम ध्यान में रखना चाहिए, तो प्रभु की इच्छा है तो आने वाले दिनों में हम इसका पूरा विस्तार से स्टडी करेंगे। तो आप लोग ध्यान में रखना, ये जो चिन्ह है ये चिन्ह विश्वासी लोग के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यू में, मार्क में स्वयं बोला मैं उन्हें चिन्ह देता हूँ, और अपोस्टल खुद बीमार को छोड़ के आया, उसको ठीक नहीं किया, तो हम जान सकते हैं इट वॉज टेम्पररी। और हमने पढ़ा भी ये जो वरदान थे तात्कालिक है, कुछ वरदान है हमेशा के लिए, आज के लिए भी है करके। तो प्रभु हमें सहायता करे वचन को एक जगह, 2 जगह, 3 जगह पढ़कर, जिस तरह हमें एक बिरयानी बनाना है तो खाली मटन लाके कांदा लाके बिरयानी नहीं बन सकते। उसके बाद बच्चन के लिए जो आपने दिया, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत सुंदर तरीके से आपने पवित्र आत्मा के द्वारा जो अगुवाई किया आज, बहुत थैंक यू सो मच सुंदर वचन के लिए। और विशेष हम लोग हमारी मंच के लिए प्रार्थना करेंगे जो रंजीत सर के द्वारा तैयार की ग्वालियर असेंबली BTI की ओर से, और खास सासु माँ के लिए प्रार्थना करेंगे, वो आखिरी सांस ले रही हैं, हॉस्पिटल में है, अपोलो हॉस्पिटल में हैदराबाद में है, और हम लोग प्रार्थना करेंगे खास करके आज के जो जितने भाई बहन जुड़े हैं मीटिंग में, सबको प्रभु आशीष से भर दे इन सारी बातों के लिए। और समाप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में भाई बॉबी डोनाल्ड हैं, वो प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। ब्रदर बॉबी डोनाल्ड। यस ब्रदर।
आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए,